और जान में जब तक है अरुणाई, हिंद महासागर की लहरों में जब तक है तरुणाई, वृद्ध हिमालय की जब तक सर पर खेत रहे जराए बांधे, भारत की गंध पताका रहे गगन पर छाए। सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। परम श्रद्धेय निर्णायक मंडल सभापति महोदय, आज 15 अगस्त के पावन अवसर पर मैं सोम्या, नेहरू मॉडल स्कूल की छात्रा, आपके सामने अपने विचारों को प्रस्तुत करती हूँ। आज भारत को हम भारत माता के नाम से संबोधित करते हैं और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, माता भूमि पुत्र अह पृथ्व्यम, यानी यह भूमि मेरी माता है और मैं इस भूमि की पुत्री हूँ। यह वह भूमि है जिसके पास गौरवशाली इतिहास है और शक्तिशाली वर्तमान। इस भूमि से निकले बुद्ध के शिक्षा से आज भी पूरा चीन आंदोलित है। बुद्ध का ज्ञान मलेशिया, इंडोनेशिया और सुमात्रा के लोगों को आज भी ज्ञान का पद दिखा रहा है। भारत भूमि ऐसे रत्नों की खान है और जब इस भूमि के अध्यात्म से विवेकानंद निकले तो विश्व सम्मेलन में उनके भाषण से पूरा पश्चिम प्रभावित हुआ और भारत के संघ ने पूरे पश्चिम को राह दिखाई। और अंत में अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और मुझे इस देशभक्ति प्रचार का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद। मन छोड़ने से पहले सभी मेरे साथ जोर से और स्पष्ट आवाज में कहेंगे, भारत माता की जय। धन्यवाद।